हाँ, जैसा कि आपको ज्ञात है कि वर्ष में एक बार भगवान नागचंद्रेश्वर के पट खोले जाते हैं, और वैसे तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करते थे। पूरे भारत ही नहीं, अभी तो पूरे विश्व से कोने कोने से लोग आते थे, और अगाध आस्था भगवान नागचंद्रेश्वर के प्रति लोगों के हृदय में है, और लाखों की संख्या में लोग दर्शन करते थे। लेकिन चूंकि इस बार कोविड के कारण वो सब संभव नहीं हो पा रहा था, तो अपने परंपरागत पूजन हो हुआ है, और 24 घंटे के जो दर्शन हैं ऑनलाइन दर्शन चलते रहेंगे, और त्रिकाल पूजा की जो परंपरा है उसके अनुसार परंपरा का अपन निर्वहन भी करेंगे। कल दोपहर में 11-12 बजे के आसपास में प्रशासनिक पूजा, अपने कलेक्टर साहब इत्यादि सभी लोग, प्रशासन के लोग भी रहेंगे, तो वो लोग भी पूजन करेंगे, दर्शन करेंगे, अर्चन करेंगे, भोग लगेगा भगवान का, और फिर कल रात्रि 12 बजे अपन लोग पूजन करके और भगवान नागचंद्रेश्वर के पट बंद करेंगे। जहाँ तक बात रही इसके महात्म की, तो इसकी बड़ी अद्भुत महिमा हमारे संतों ने गाई है, हमारे संतों ने बताई है, और ये विग्रह अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चमत्कार हम इसे कहेंगे, क्योंकि पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा ये विग्रह है जहाँ पर भगवान शिव का परिवार शेष शैया पर, नाग शैया पर विराजमान है। भगवान विष्णु तो कई जगह हमें देखने को मिलता है, क्षीर सागर में भी शेषनाग के ऊपर मिलते हैं, लेकिन ये महादेव का परिवार सिर्फ एकमात्र ये विग्रह है जो ऐसे दर्शन सिर्फ यहीं पर होते हैं, और वर्ष में सिर्फ एक दिन के लिए ये पट खोले जाते हैं। कोरोना को लेकर के भगवान नागचंद्रेश्वर की जो पूजा आज की हमने तो पूरी तरीके से, क्योंकि साधु का जीवन परमार्थ के लिए होता है, तो अपन ने तो पूरी तरीके से एक ही बस प्रार्थना भगवान से की है कि जल्द से जल्द इस महामारी से भगवान हमें मुक्ति प्रदान करें, और पूरा भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से मुक्त हो, और पुनः सभी नागरिकों के, सभी मनुष्यों का जीवन, जन सामान्य का जीवन जैसे सामान्य तौर पर चलता था, पुनः उस स्थिति में ये प्रकृति, ये धरती, ये सब पुनः उस स्थिति से संचालित होने लगे। यही उनके चरणों में आज की पूजा करते हुए हमने प्रार्थना की है, निवेदन किया है, वंदन किया है।